चाहते हैं कि ठीक है, आदिवासी नेता लोग बोलते हैं कि महत्व क्रांति, महत्व के एक शब्द किसी ने वो समाज महत्व समाज के लिए कोई शब्द बोला, लेकिन जयराम महतो के साथ में यदि कोई आदिवासी नेता नहीं है तो आदिवासी लीडर उसके पास आदिवासी कहीं थे, गीताश्री राम थी साथ में, गीताश्री आदिवासी नहीं है तो क्या थी, प्रेमशाही मुंडा थे उनके साथ में, थे प्रेमशाही मुंडा आदिवासी नहीं थे, तमाम कोई थे लेकिन क्यों छोड़ दिए। जब हम लोग आंदोलन लगातार करते थे और उस समय भी करते थे जिस समय हम लोग जेल भी जाते थे, जेल जाने की नौबत आती थी स्थानीय न्यूज नीति के, उस समय जयराम महतो स्कूल में पढ़ा करते थे। दिशा भी नहीं होना चाहिए, दिशा के अनुरूप होना चाहिए। आज कोई भी ऐसा मुद्दा है जयराम महतो ने उस मुद्दा को समाप्त किया हो, भाषा नहीं, भाषा के तहत खत्म नहीं उसे हुआ। स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर रहे थे, 1932 की मांग कर रहे थे, खतियान 1932 की पहचान 1932 कर रहे थे, कहाँ हुआ। केवल जनता को, युवाओं को ये अपनी और हो में लेकर भीड़ जुटाए, जिस दिन वो जोश में दी होश नहीं खोएंगे तो हम कहते हैं कि एक बेहतर विकल्प वो भी बनाएंगे झारखंड को, और झारखंड सवरेगा भी, और हम लोग भी उनको सहयोग करेंगे। और उस मूड से हमको लगता है जयराम महतो कहीं ना कहीं पार्टी से, जो वर्तमान में झारखंड में जो पार्टी है जिसकी सरकार है उसके कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो ये आक्रामक तेवर अभी आपने देखा, तो अब आइए हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड ओलगुनाल मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अब दो सब दिन से भी हम समझ लेते हैं कि लगातार जो परिस्थितियां अभी दिख रही है झारखंड में, हालांकि ये तो अभी उपचुनाव है, क्या कहेंगे इस उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि झारखंडी खतियानी मोर्चा के साथ भी आप लोग हैं। देखिए, ये चुनाव तो है लेकिन ये टेलर है, और 2024 में ये चुनाव झारखंड की दिशा चेंज करेगी, और ये बहुत ही चुनाव 2024 के लिए झारखंडियों के लिए, आदिवासी मूल वासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सोच समझ कर हम लोग जितना युवा लोग हैं, हम लोग इसीलिए जनता के अनुरूप, जनता की मांग के अनुरूप हम लोग तीसरा विकल्प लाए थे, एक झारखंडी खतियानी मोर्चा। इस मोर्चा में जितने लोग हैं हम चाह रहे थे कि जिस राज्य में तीसरा विकल्प बने, ताकि 2024 में जो होगा वो 23 साल से अभी जो झारखंड में नहीं हुआ है वैसा 2024 में होगा, इसको देखकर हम लोगों ने तीसरा मोर्चा लाए थे। और ये झारखंड के हित के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हमको लगता है कि अब देखिए जनता किस और मूर्ति है। हम लोग तीसरा विकल्प में रूप में दिए थे, लेकिन बैजनाथ महतो एक क्रांतिकारी साथी थे, और हम लोग का विश्वास था कि से वो जनता के हित में अच्छा उतरेंगे। किसान का पुत्र हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जब बदल जाते हैं पैसे के बदौलत और पैसे के लालच में, अपने त्याग अपने समर्पण को कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो हम जो चाह रहे हैं कि से जनता को जो धोखा होने वाली थी वो धोखा से जनता बच गई। जो व्यक्ति दो दिन में पलट सकता है उसको यदि 5 साल यदि उसको समय दिया जाए तो क्या से क्या न कर सकता है जनता के पीठ के पीछे। इसलिए जनता एक धोखा बड़ी धोखा से बच गई है, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सुदेश महतो को कि जिन्होंने ऐसे ऐसे छुटभया नेता जो दलाल टाइप के हैं उनको अपनी पार्टी में रखे हैं। और सुदेश महतो मोदी के विद्यालय से पढ़ कर आते हैं, उनके विद्यालय का एक अच्छा स्टूडेंट है, वो जानते हैं कि किस तरीका से कैसे हमको चुनाव जीतना है, कैसे हमको जनता के उसको विचारधारा है लोकतंत्र के जो गरिमा है उसको ख़त्म किया जाए, अपने आप को कुर्सी बचाया जाए, चाहे हमको लाभ कैसे पहुंचे अपने आप व्यक्तिगत लाभ, उसको मोदी से खुद सीखे हुए हैं। और ये आपको भी मालूम है कि NDA का एक घटक दल है, और इनको NDA जैसे करती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा है वैसे आंसू का भी विचारधारा है। आंसू भी मंदिर मस्जिद की बात करती है अंदर से, लेकिन सामने में ये है जो कि अंधा पड़की बनकर लोगों को ठग रहा है। तो रवि पीटर जी हैं, और लगातार अपनी बातों से, विभाग बातों से ये भी जाने जाते हैं, लेकिन बाई संजोग जब ये लोग रांची आते हैं तो हम लोग के चैनल पर भी ये आ जाते हैं। लेकिन लगातार युवाओं की बात हो रही है, सूर सिंह बेसरा के साथ हैं आप, वो भी युवाओं की बात कर रहे हैं। यदि ऐसे में हम पीटर जी आपसे हम यदि हम बात करें, एज आप भी युवा हैं, झारखंड के यदि मूलभूत सुविधाओं की बात हर युवा कर रहे हैं, जयराम महतो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सर्वप्रथम आपने ये सवाल किया है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जयराम महतो एक अच्छे युवा के रूप में उभरे थे, और युवा की चाहत भी थी, लेकिन 1932 की जो हमेशा मांग होती रही है
हम लोग भी 15 साल से लगातार स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर लगातार आदिवासी मूलवासी संगठन के माध्यम से अपना योगदान देते रहे हैं और दे भी रहे हैं और पूरे जोश के साथ में। तो उसमें हम लोग का भी बहुत सारा मुकदमा हुआ, केस मुकदमा हुआ। लेकिन जयराम महतो की आपने बात बोली है तो हम कहना चाहते हैं कि 1932 जो है कहता है कि 1932 के स्थानीय नीति लागू करो उसके अनुसार में, तो हमारा ये जो जनता के ठगने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम लोग को भी पहले कहा जाता था, हम लोग भी झंडा लेकर दौड़ जाते थे 1932 के स्थानीय नीति लागू करो, लेकिन नहीं, उससे नहीं होगा। ये केवल जनता को ठगने का है और ये जनता को ठगा जा रहा है। 1932 कहीं कहीं अलग अलग सर्वे हुआ, हम लोग मांग करते हैं जब हम लोग को होश आए, हम लोग पढ़े लिखे देखे, हम लोग सोचे और सभी जगह क्षेत्र में घूमे, तो क्षेत्र में घूमे तो हम लोग को मालूम चला कि नहीं, झारखंड में खतियान के आधार पर अंतिम सर्वे जिस राज्य में जिस जिला में हुआ है उसके अंतिम सर्वे के अनुसार पर यहाँ स्थानीय नीति लागू किया जाए तो ये कहीं ना कहीं बात ही बन सकती है। और ये जयराम महतो की बात आप बोले हैं तो जयराम महतो की युवा के चाहत में अच्छा है, अच्छा करेंगे, सभी का विश्वास है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो मुद्दा है जिस मुद्दा पर वो खड़ा उतरे हैं, चाहे उस मुद्दा को मतलब क्या बोलते हैं ख़त्म कर दिए, अभी तक केवल मुद्दा ही पैदा किए हैं, वो मुद्दा ही मुद्दा पैदा किए हैं। चाहे झारखंडियों को आपस में लड़ाने की बात हो, चाहे झारखंड से गैर झारखंडियों को, तो ये सब मुद्दा को खाली ओलझल में रहें, उसी मुद्दा को सही जगह लाए नहीं। 1932 का पहले भाषा पर काम किए हमारे क्षेत्र, जो उनको हमारे जो साथी लोग थे मेरे साथ में आंदोलन करने वाले जो साथी लोग हैं, जो उलगुलान मोर्चा का है, तमाड़ में भी बहुत सहयोग दिया। वहाँ पर जो क्षेत्रीय जो नेता लोग हैं जैसे ललित महतो थे, परमेश्वर महतो थे और अजहर मलिक जी थे, ये सब तमाम साथी लोग जो क्षेत्रीय हैं उधर हैं, कुछ मुखिया लोग थी, उन लोग तमाम सब कोई साथ दिया कि नहीं जयराम महतो एक भाषा पर चले हैं। तो भाषा ज़रूरी है, अगर भाषा नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी को पहचान सकते हैं। यदि हम इंग्लिश बोलेंगे आप नहीं सुन सकते, आप जनता नहीं समझ सकती है। तो जनता को सुर सिंह बेसरा इसी बात को बोले कि यहाँ पर अनेक भाषा है झारखंड में, और वैसे लोगों को व्यक्ति को यदि वो आता है कि सभी भाषा को ज्ञान हो तो वो सर्वप्रथम उसकी कैटेगरी आती है, वैसे लोगों को चाहते हैं। जैसे बेसरा जी सभी भाषा को ज्ञानता है, ज्ञाता है, सभी भाषा जानते हैं। कल तक यदि हम बात करें, मैंने देखा है और जयराम महतो के आंदोलन में उनके कंधे से कंधा आप मिला के चल रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया? नहीं, हम तो जयराम महतो का विचार में थे लेकिन उनके साथ में कभी आंदोलन साथ में नहीं किए, लेकिन हाँ जो विचार में थे उस विचार के लिए हम अपने अलग से सपोर्ट करते रहे, सड़क पर चाहे उतरना हो चाहे किसी जगह पर। बंदी भी करवाएं, 10 तारीख का जो बंदी था उन्होंने ऐलान किया था कि जगन्नाथ महतो का आकस्मिक ऐसे हो गया है, देहांत हो गया, तो उनको लेकर बंदी कराते हैं, बंदी निष्कासित करते हैं। लेकिन नहीं, जनता का पूरा मूड बनी हुई थी और उस मूड से हमको लगता है जयराम महतो कहीं ना कहीं पार्टी से, जो वर्तमान में झारखंड में जो पार्टी है जिसकी सरकार है उसके कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ताकि देखिए कि इसे जब रामगढ़ जब चुनाव हो रहा था उसमें भी नदारत रहे, डुमरी में भी है नदारत है। अरे भाई आप आ रहे हो, आपको जनता ने जितने नौजवानों ने पूरा अपना समय दे रहा है, सब किसान ने समय दे रहा है, खेत में काम छोड़कर और नौजवान लोग पढ़ाई छोड़कर जो अपने भविष्य को छोड़कर झारखंड के भविष्य को तय करने के लिए आपके पीछे जो खड़े हैं झंडा से बुलंद करने के लिए, जो अपने जान देने के निछावर हैं, उसके लिए विचार तो आप रखिएगा ना चुनाव में कि कब रखिएगा, घर में रखिएगा, ये केवल बोलिएगा मंच पर। तो देखिए कोई भी आदमी को पहला तो बात है कि एक अच्छा बहुत दिन बाद ऐसे नौजवान आए, लेकिन उनको हमारे विचार से ऐसा करना चाहिए और सभी को लेकर। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास आदर नहीं हो, मान सम्मान नहीं हो, बुजुर्गों को इज्जत करना नहीं जानता हो, चाहे घर में चाहे बाहर में, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। अब मेरी यही आप उनसे अनुरोध है कि कम से कम मान सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए सभी लोगों को। और अच्छी है उनको आज जरा महत्व, यदि संघर्ष कर रहे हैं उनके पास लोग का जनता का जुड़ाव है तभी तो हमारे बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। नहीं वैसी बात नहीं है, मुद्दा है, मुद्दा की बात कर रहे हैं तो कुर्मी की कहाँ बात है। और ऐसे जानते हैं, ऐसे हमेशा हुआ है, झारखंड जब भी एक सही दिशा में जाने लगती है, झारखंड की अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति का जो समस्या दूर होने के लिए जब उलगुलान होता है तो ऐसे बाहर तक बाहर जो शक्तियां हैं वो हर एक समाज में फैल जाती है और उसको अनेक प्रकार के प्रचार करके हमारे यहाँ के युवा को जो आगे आने के लिए जो खड़ा होते हैं उनको मनोबल को तोड़ा जाता है। आदिवासी हैं तो खुद कह रहे हैं कि महतो का क्षेत्र राजनीति करते हैं जयराम महतो। अच्छा हम बोलना चाहते हैं कि ठीक है, आदिवासी नेता लोग बोलते हैं कि महतो का राजनीति, महतो के एक शब्द किसी ने वो समाज महतो समाज के लिए कोई शब्द बोला कि महतो को कुर्मी में समाज में, चाहे मैंने कोई भी ऐसा बात हो, वो तो स्थानीय की बात कर रहा है भाई, भाषा की बात कर रहा था, तो उसमें महतो का गैर महतो चाहे आदिवासी गैर आदिवासी की बात ही नहीं है। जो यहाँ पर कोई भी, देखिए हमारा अनुरोध है यहाँ पर, यहाँ का खतियानधारी यदि ब्राह्मण, यहाँ का मुस्लिम, अगर कोई भी यहाँ के
यहाँ झारखंड के समस्याओं को लेकर यदि आगे आता है, चाहे वो भाषा की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, यहाँ की रोजगार की बात हो, तमाम ऐसे समस्या को लेकर आता है, तो सभी से हम अपील करेंगे आदिवासी मूलवासी को, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ में आना चाहिए, नहीं कि तोड़ने की बात नहीं करना चाहिए। और तोड़ने वाला जो लोग करते हैं वो अपने पॉकेट चंद रुपये पॉकेट के भरने के चलते अपने कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ, गाड़ी में तेल हो जाएगा, थोड़ा सा घर हो जाएगा, ये नेता वो नेता से माल ले लेंगे, ये कर लेंगे, वैसे ही लोग करते हैं। तो अब जो सही बेसरा जी जो बोल रहे हैं कि अगर उनके साथ आदिवासी कोई नेता नहीं है, तो नेता से मतलब नहीं हमारा। देखिए बेसरा जी का भी बहुत आदर करते हैं और बेसरा जी त्याग के पुरुष हैं। हकीकत में अभी विधायक बनने के लिए लोग अनेक प्रकार के मतलब षड्यंत्र लगा लेते हैं, अपने मान सम्मान को बेच देते हैं, तमाम को जो जितना करना हत्या भी कर देता है। लेकिन बेसरा जी ने विधायक बन के त्याग दिए, इसलिए कि झारखंड का सुवर्ण का है, झारखंड को बेहतर झारखंड बनाने का है, बेहतर झारखंड बनाने का है। लेकिन जयराम महतो के साथ में यदि कोई आदिवासी नेता नहीं है, तो उससे हमको हम बोलेंगे उसमें हमको कोई टिप्पा टिप नहीं करना है। अपने उनके अच्छा विचारधारा लगे तो जयराम महतो साथ आएंगे, लेकिन हम तो कहेंगे कि जयराम महतो के इसी कारण है कि जयराम महतो के पास कोई भी आदिवासी नेता चाहे कोई भी आदिवासी युवा वैसा नहीं है साथ में। इसका है कि उनके मान सम्मान करने के लिए हम पहले बोले जयराम महतो मान सम्मान करें, बुजुर्गों को जो हाँ बुजुर्गों को मान सम्मान करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। क्यों नहीं है मेरे पास है आदिवासी लीडर, उसके पास आदिवासी कह देते गीता श्री राम थी साथ में, गीता श्री आदिवासी नहीं है तो क्या थी, प्रेमशाही मुंडा थे उनके साथ में, थे प्रेमशाही मुंडा आदिवासी नहीं थे, तमाम कोई थे लेकिन क्यों छोड़ दिए। इस क्वेश्चन प्रश्न इसी है कि वो आदर मान सम्मान बुजुर्गों को नहीं करना चाहते हैं, वो जनता का जब देखे, युवाओं का जब देखे जोश होश जोश देखे तो अपना होश खो दिए। और इसमें कहीं किंतु जिस दिन वो जोश में यदि होश नहीं खोएंगे तो हम कहते हैं कि एक बेहतर विकल्प वो भी बनाएंगे झारखंड को और झारखंड सवरेगा भी, और हम लोग भी उनको सहयोग करेंगे। देखिए संघर्ष ही होता है बड़े भाई, संघर्ष ही होता है, संघर्ष कीजिएगा तो आप स्वतः आपके पास ज्ञान आ जाएगी। और हम लोग 15 साल से लगातार देख रहे हैं वही नियोजन नीति को, जब हम लोग आंदोलन लगातार करते थे और उस समय भी करते थे जिस समय हम लोग जेल भी जाते थे, जेल जाने की नौबत आती थी स्थानीय नियोजन नीति के, उस समय जयराम महतो स्कूल में पढ़ा करते थे। ओ, मतलब इनसे पहले से आप लोग इन सब नीतियों पर आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं? पूरा तब हम लोग आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा बनाए, इसके बाद आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच था उसके माध्यम से करते रहे तमाम चीज़ से। हम लोग डॉक्टर आरपी साहू हमारे साथ में थे, वो बेचारे चल गए, उनको बहुत अच्छी विचारधारा थी, उनके विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो हम कहेंगे इसी बात को कि जयराम महतो के साथ में सबको जुड़ेगा, मुद्दा को लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दा दिशा भी नहीं होना चाहिए, दिशा के अनुरूप होना चाहिए। आज कोई भी ऐसा मुद्दा है जयराम महतो ने उस मुद्दा को समाप्त किया हो, भाषा के तहत खत्म नहीं उसे हुआ, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर रहे थे, 1932 की मांग कर रहे थे, खतियान 1932 की पहचान 1932 कर रहे थे, कहाँ हुआ। केवल जनता को युवाओं को ये अपनी ओर हो में लेकर भीड़ जुटाए, और बहुत से नौजवानों लोग को तो केस मुकदमा झूठ के हो गया, उनका टाइम भी बर्बाद हो गया, लेकिन मुद्दा को समाप्त करना चाहिए, इस मुद्दा को छोड़कर फिर दूसरे मुद्दा नहीं पकड़ना चाहिए। अभी झारखंड में जनगणना होना चाहिए था, जनगणना इसलिए जरूरी है कि जब आरक्षण है तो जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए। अभी देखिए कि ओबीसी का जो है, ओबीसी का इतना स्थिति खराब है कि हम तो बोलते हैं कि जो ओबीसी का जो विधायक है जो मंत्री है, बताइए 23 सालों से 14% पर ये थी ओबीसी समाज आरक्षण पर जी रहा है जी, जिसकी जनसंख्या 50 से ओवर है, बताइए ये क्या दुर्भाग्य है। बताइए कि ओबीसी के जो लड़का लोग हैं वो भी तो यहाँ के धरती पुत्र हैं, उसकी भविष्य कहाँ गया जी। आप बोलते हैं सुवर अच्छा झारखंड बना देंगे हम, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री अबुआ आवास दे देंगे, तो उससे नहीं कुछ होगा यार। हम कहते हैं हमने खनन पर हमने आंदोलन किया, हम पर झूठा मुकदमा किया गया कि पीटर प्रत्येक हाईवा से 2000 रुपया रंगदारी मांगता है, पुलिस ने झूठा आरोप लगाया तमाड़ क्षेत्र में। आज देखिए कि उस आंदोलन बालू का आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन का देखिए कि क्या हासिल हुआ, पुल पुलिया गिर रहा है लगातार, जाँच अभी और चल रहा है, लेकिन उस समय हम आंदोलन कर रहे थे, हमको हत्या करने के लिए पुलिस और बालू माफिया दोनों मिलकर हमको हत्या करने के, रात भर हम पहाड़ के अंदर में घुस कर रहे जी, नहीं तो हमको हत्या कर देता इस आंदोलन में। बात करते अरे भाई हम जनता के मुद्दों पर वर्तमान सरकार खड़े नहीं, नहीं जनता देखिए हेमंत सोरेन हमारे पास, तो भाई जब हेमंत सोरेन जब रघुवर दास की सरकार थी तो हेमंत सोरेन का एक आंदोलन चल रहा था स्थानीय नीति नियोजन नीति पर लेकर, सभी आदिवासी मूलवासी समाज का और हेमंत सोरेन का। वो जब बंदी कराने हम जब निकले थे तो मैंने एक नारा दिया था, रघुवर दास होश में आओ, हेमंत सोरेन जोश में आया। उनके साथ हम जब गाड़ी में बैठे हम लोग, तो हम लोग को स्टेडियम में बंद कर दिया गया साथ में उसी गाड़ी में। आज हेमंत सोरेन जनता से
छूट चुके हैं, जनता के से उनको जुड़ाव खत्म हो गया है, जनता से जुड़ाव खत्म हो गया, उसके कारण प्रशासन से लेकर तमाम सभी विभागों में घुसखोरी, लुटखोरी और आँख अंधा बहरा सब हो गया है। अभी कहीं पर भी जाकर देखिए कि मोटेशन में कोई ज़मीन का इतना धांधली होता है, क्या करेंगे यार। हम खुद देख रहे थे अभी NH बन रहा था 98 क्षेत्र में, मैंने आंदोलन किया वहाँ पर, बहुत से लोगों को बता रहे हैं कि जिसका जिसका सब कुछ है लेकिन वो उसके पास पैसा नहीं, वहाँ पैसा लिया जाता है। बैक डेट में CO यदि साइन करता है, आज साइन कर रहा है, आज यदि तारीख हो रहा है 21 तारीख 22 तारीख जो भी है, तो आज इसको डेट में बैक डेट में साइन करता है उसको, एक महीने दो महीने, ये सब घुसखोरी है, बहुत है। मतलब 2024 में आप लोग तीसरा मोर्चा बनकर उभरेंगे? देखिए एकदम ऑफकोर्स है, हम लोग तो चाह रहे हैं कि देखिए जितने पार्टियां हैं, चाहे वाम दल हो और इधर हो, जितने छोटे छोटे पार्टियां हैं, चाहे बाहर के जो पार्टियां हैं, जैसे हम विचारधारा रखती है बहुजन समाजवादी पार्टी हो, हम तो बोलेंगे जद्दू को भी बोलेंगे कि जद्दू तो चल गया है वो UPA में, तो उसके तो बात नहीं मिले, जो भी ऐसी पार्टियां हो, जैसे OBC की पार्टियां हो, तमाम पार्टियों के एक साथ करेंगे और ये एकदम होगा ही। और तीसरा विकल्प एकदम हकीकत है कि तीसरा विकल्प बनेगा झारखंड में, और तीसरा विकल्प का सरकार नहीं कर सकते, लेकिन तीसरा विकल्प में इतना जरूर है कि 10-15 विधायक जरूर जीत के आएंगे। तो जयराम को नहीं बुलाएंगे? जयराम जी के तो हम स्वागत है जी, उनके विचारधारा ठीक है, नौजवान है, वो किसी पार्टी में नहीं है, वो विचारधारा रखते हैं, स्वतंत्र हैं, उनको बुलाएंगे, कोई इसमें बात नहीं है। जयराम हमारा भाई है, उसमें कोई उसे कहीं हम लोग को कोई राग नहीं है, हमारा कुछ नहीं। रवि पीटर, झारखंड उलगुलान मोर्चा के अध्यक्ष, धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।